नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम फ्री मोबाइल फ़ोन योजना 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के सभी महिलाओं को फ्री मोबाइल फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप जो है इस फ्री मोबाइल फ़ोन को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी महिलाओं को ये फ्री मोबाइल दिया जाएगा, साथ ही क्या क्या दस्तावेज यानी कि क्या क्या कागजात डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री मोबाइल स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए चाहिए, साथ ही महिलाओं की जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपका नाम किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपको फ्री मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। जी हां साथियों, देख सकते हैं राजस्थान गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को देगी स्मार्टफोन। जानिए किन्हें और कैसे मिलेगा फ्री मोबाइल। आपको बता दें, राज्य में अशोक गहलोत सरकार जो है 1.33 करोड़ महिलाओं को 7500 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन देने का वादा जल्द ही पूरा करने वाली है। सरकार ने हाल ही में 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई के लिए यहां पे टेंडर जारी कर दिया है, यानी कि 3 साल तक आपको फ्री 4G इंटरनेट उसमें मिलेगा। इसी के साथ आपको जो है फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। टेंडर जो है यहाँ पर गहलोत सरकार ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें, राजस्थान में गहलोत सरकार ने महिलाओं को जल्द ही 4G स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, वो जल्द ही जो है पूरा होने वाला है। करीब हम बात करें तो गहलोत सरकार की 4th सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट जो है वितरित किया जाएगा। सरकारी एजेंसी राजकॉम्स के 2 दिन पहले ही जारी बयान के मुताबिक बताया गया है कि कुल 7500 करोड़ रुपए का यहाँ पे सरकार के ऊपर अतिरिक्त खर्च आएगा, यानी कि 7500 करोड़ रुपए के मोबाइल जो है सरकार वितरित करने वाली है। इन मोबाइल फ़ोनों में 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा सभी को फ्री दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें, यहाँ पर 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी, यानी कि 1 जुलाई को जो है यहाँ पे सभी के अकाउंट में जो है ये पैसा, यानी कि सभी को मोबाइल फ़ोन जो पैसा लेना चाहे उनको पैसा जो है यहाँ पे वितरित किया जाएगा। साथ ही कुछ शर्तें यहाँ पे रखी गई हैं। अब दोस्तों आपको बता दें किन महिलाओं को मिलेगा मोबाइल, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल बजट 2022 में राज्य के प्रदेश में 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फ़ोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिया जाएगा जिनका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है। वहीं मोबाइल के साथ 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो जन आधार कार्ड है जन आधार कार्ड में जो मुखिया महिला जो होगी, जिसका नाम होगा यहाँ पर मुखिया महिला का, उसी को जो है यहाँ पर जन आधार कार्ड जो है दिया जाएगा। तो जो परिवार की मुखिया है सिर्फ उस एक महिला को ये मोबाइल दिया जाएगा, यानी कि सभी परिवार में 1 महिला को मोबाइल वितरित किया जाएगा। अब दोस्तों कहाँ दिए जाएंगे मोबाइल फ़ोन, सरकार की जानकारी के मुताबिक जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार रखेगी, उसी के आधार पर उन्हें सिम दिए जाएंगे। सरकार स्मार्टफोन का वितरण जो है जिला व ब्लॉक लेवल पर करेगी, जहां ई के वाई सी के माध्यम से जगह जो है आईटी विभाग वितरित करेगा, यानी कि आपके नज़दीकी जो है आईटी विभाग में ये मोबाइल दिए जाएंगे। सरकार ने सप्लाई कंपनियों से के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, तो क्या शर्तें हैं आपको बता दें। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी टेंडर सूचना में स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी के लिए भुगतान की कई शर्तें रखी गई है, जिसके मुताबिक स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी को जो है डिलीवरी के समय हैंडसेट की जो कीमत का केवल 30% पैसा जो है उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद हम बात करें तो डिलीवरी के 1 साल बाद 35% और 2 साल बाद बचा हुआ सारा भुगतान यहां पे सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि इस कंडीशंस के तहत जो है वित्तीय भार भी सरकार पर नहीं आएगा और यहाँ पर जो है आसानी से सभी को मोबाइल फ़ोन जो है मुहैया करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना, जिसके तहत सभी परिवार की मुखिया महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको बता दें,
अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, किस तरीके से आप सूची में महिलाओं का नाम देख पाएंगे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप भी फ्री मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।